ये आईजीपीसी एक धार्मिक बॉडी है, ये धार्मिक लोग और समाज सेवियों के हाथों में होनी चाहिए, ये सियासी लोगों के हाथों में नहीं, जो अपने पॉलिटिकल मोटिव से इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे लेके जाए। तो ये संगठन बनाएंगे हम वहां पे समाज सेवियों का और वहां पे जो रिलीजियस लोग हैं उनका। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं खुद आईजीपीसी के इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं खुद नहीं लड़ूंगा, मगर एक ऐसा संगठन बनाएंगे ताकि आईजीपीसी को ये सियासीकरण से बाहर निकाल के पंजाब के फायदे के लिए, पंजाब के गरीबों के फायदे के लिए के इसको बचा जाए और इसके उसकी तरफ ये काम किया जाए। और दूसरी बात, पंजाब के लोग खास करके ये जानना चाहते हैं कि मैं लोकसभा के इलेक्शन लड़ूंगा कि नहीं। बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप अब खास करके सज्जन कुमार को जेल भेजने के बाद कि आप कहीं से भी खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, आप जीत जाओगे। मुझे पता है, मुझे मान है पंजाब के लोगों के और मैं शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत धन्यवादी हूं, मुझे पता है मुझे जिता दोगे। मगर ये इतनी बड़ी सज्जन कुमार की जीत, सज्जन कुमार को जेल भेजने की इतनी बड़ी जीत को मैं अपनी एक पदवी के लिए नहीं बचना चाहता। मैं लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लोकसभा के इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। आगे वाली जो बात, जो ये केस चल रहे हैं, मैंने जैसे बताया, मैंने ये पिछली लड़ाई पहले से, ये जो आज इसमें जीत प्राप्त हुई है वो सबके साथ थे, नॉन कांग्रेस पार्टियां जितनी थी सबकी मदद से, सबके साथ मिलकर हुई। और आगे से भी मैंने ये जो लड़ाई लड़ी है कॉमन प्लेटफॉर्म पे लड़ी, मैं आगे से भी ये जो लड़ाई अभी भी जारी है, अभी सज्जन कुमार की अपील, उसके अलावा अभी भी बड़े बड़े दरिंदे जेल से बाहर आए, जगदीश टाइटल और कमलनाथ जैसे, जगदीश टाइटल और कमलनाथ को भी सजा दिलवानी है। और ये जो लड़ाई है कॉमन प्लेटफॉर्म पे लड़ी जाएगी, कॉमन प्लेटफॉर्म, जितनी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी, सबको हम कहेंगे कि इसमें साथ दो, ताकि ये जो बाकी ये जो कमलनाथ और टाइटल जैसे लोग हैं उनको भी हम सलाखों में बचा सके। और ये लड़ाई हम ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। अब मैं ये आपके मार्फत ये गुजारिश करूंगा कि ये पंजाब में तो मैं जाके ये संगठन बनाऊंगा, तो जो मेरे साथी अलहदा अलहदा जो स्टेट में बैठे हैं, हर एक सूबे में हम इस तरह के संगठन की कोशिश करें। अगर हम पहले अन्ना मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं तो हम दूसरी अन्ना मूवमेंट भी खड़ी कर सकते हैं, और उस तरह की मूवमेंट हम ऐसी खड़ी करें, एक ऐसा संगठन खड़ा करें, पॉलिटिकल पार्टीज के पैरेलल करें, उन लोगों का संगठन खड़ा करें जिनको पदवियों के लाल चले, उन लोगों का संगठन खड़ा करें जो अपनी पोस्ट की वजह से नहीं बल्कि अपनी समाज सेवा की जो लगन है उसकी वजह से आके खड़े हो, इकट्ठे हो। और उस तरह का संगठन अगर हम चल पड़े, हम शुरू हो गए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हम जल्दी ये संगठन खड़ा कर देंगे। पंजाब में तो मैं ये जिम्मेवारी ले रहा हूं, पंजाब में सबके पास जाऊंगा, सबके पास, सारिया जो नॉन पॉलिटिकल वहां पे पार्टी संस्थाएं हैं सबके पास जाएंगे, स्वास्थ्य जगह को इकट्ठा करेंगे। अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम ये एक बड़ा संगठन खड़ा करके वहां पे तो हम ये मुहिम शुरू करते हैं। ये मेरी मूवमेंट नहीं है, ये ना सोचना, ये शुरू तो अब से ही है, पंजाब में तो अब से शुरू हो जाएगी, पंजाब में तो अभी से शुरू हो जाएगी, बाकी सब देश में जो सब मिलके आपस में करेंगे, तो जरूरी नहीं है एक नाम केंद्र हो, ऐसे कई संगठन हर स्टेट में खड़े हो सकते हैं, एक एक स्टेट में कई कई खड़े हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, मंत्र एक होना चाहिए, वो लेके चलेंगे। सर सवाल ये है कि